नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 40 व 41 भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधा का उपाख्यान, उनके ध्यान पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभो मुनिवर नारायण, आप रूप गुण यश तेज एवं कांति में साक्षात भगवान नारायण के ही समान हैं। मुनि, आप ही ज्ञानियों सिद्धों योगियों तपस्वियों और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाएं। सूत जी कहते हैं, मुनियो नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुने सृष्टि के प्रारंभिक समय की बात है। देवता भोजन की व्यवस्था के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भोजन देने की प्रतिज्ञा करके श्री हरि के चरणों की आराधना की। तब भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ रूप में प्रकट हुए। उस यज्ञ में जिस जिस हविष्य की आहुति दी गई वह सब ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया, किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्तिपूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने की बात बतलाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने ध्यान के द्वारा ही मूल प्रकृति की पूजा की। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती प्रकृति अपनी कला द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति स्वाहा के रूप में प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मयोने तुम वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर संभ्रम पूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अग्नि की दाहिका शक्ति तथा उनकी परम सुंदरी पत्नी होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवनीय पदार्थ अर्पण करे उनका वह हविष्य देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाए। अंबिके तुम अग्निदेव की सर्व संपत्ति स्वरूपा एवं श्री रूपिणी गृह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा देवी उदास हो गई। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया। स्वाहा बोली, ब्रह्मन मैं दीर्घकाल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्न के समान ब्रह्म मात्र है। तुम जो जगत की सृष्टि करते हो, भगवान शंकर ने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, शेषनाग जो अखिल विश्व को धारण करते हैं, धर्म जो समस्त देहधारियों के साक्षी हैं, गणेश जी जो संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं, तथा जगदम्बा प्रकृति देवी जो सर्व पूज्या हुई हैं, यह सब उन भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः पद्मज मैं भी एकमात्र उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानुराग चिंतन करती हूँ। ब्रह्मा जी से यों कहकर वे कमल मुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी।
फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर स्वरूपिणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गईं, क्योंकि वे उन कामेश्वर प्रभु को कांत भाव से चाहने लगी थीं। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को वे सर्वज्ञ प्रभु समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बैठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम वाराह कल्प में अपने अंश से मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नाग्नजिति होगा। राजा नग्नजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों की अंगभूता एवं परम पवित्र होगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्तिभाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी के साथ वे सानंद विहार करेंगे। नारद देवी स्वाहा से इस प्रकार संभाषण करके उन्हें आश्वासन दे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करके उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात अग्निदेव ने मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा देवी का पाणि ग्रहण किया। देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गईं। 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रहीं। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आह्वनीयाग्नि के क्रम से उनके मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 3 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पतिसेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद्य हैं। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन शीघ्र फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियाँ मिलने लगीं। स्वाहांत मंत्र से ही उनके सारे कर्म सफल होने लगे। मुने, भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। यह सारभूत प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभो मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का वह विधान, ध्यान एवं स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान सामवेद में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालग्राम की प्रतिमा में अथवा कलश पर यत्नपूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, देवी स्वाहा मंत्रों की अंगभूता होने से परम पवित्र हैं। ये मंत्र सिद्ध स्वरूपिणी हैं, सिद्ध एवं सिद्धदायिनी हैं तथा मनुष्यों को उनके संपूर्ण कर्मों का फल देने वाली हैं। मैं उनका भजन करता हूँ। मुने, यों ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र यह है, ओम ह्रीम श्रीम बहन जायाए देवे स्वाहा। इस मंत्र से भक्तिपूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। अग्निदेव बोले, स्वाहा आद्या प्रकृत्यंशा मंत्र तंत्र अंग रूपिणी मंत्र फलदात्री जगद्धात्री सती
सिद्ध स्वरूपा सिद्धा सदा निराम सिद्धिदा हुताश दाहिका शक्ति हुताश प्राणाधिक रूपिणी संसार सार रूपा घोर संसार तारिणी देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। जो भक्तिपूर्वक इनका पाठ करता है उसे इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसका कोई भी कर्म अंगहीन नहीं होता, उसे सब कर्मों में शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन 16 नामों के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र तथा भार्याहीन को प्रिय भार्या प्राप्त हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने अव भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद एवं श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला है। जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूप थे। उन 7 सिद्ध स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पणांत स्नान श्राद्ध पर्यंत देव पूजन तथा त्रिकाल संध्यांत आहनिक कर्म यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या श्राद्ध तर्पण बले वैष्णुदेव और द्वेद ध्वनि नहीं करता उसे विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। नारद श्री हरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है, उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितर पाते नहीं थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताईं। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या गुण बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्करा रही थी। वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए यह तुष्ट स्वरूपिणी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यों देवताओं के लिए वस्तु दान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी कर्मों अर्थात यज्ञों में दक्षिणा उत्तम मानी गई है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय कहा गया है। उस समय देवता पितर ब्राह्मण मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनःकामनाएं पूर्ण हो गईं। मुने इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। यह सबके लिए तुष्टिकारक है। पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि, अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन, देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरत काल में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए।
जो अहिमानी ब्राह्मण सुधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता, यह सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या हैं, ये सदा तरणावस्था से संपन्न रहती हैं, पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय हैं, ये ही श्राद्धों का फल देने वाली हैं, इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए, तदनंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुनि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवे स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद अब स्तोत्र सुनो, यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो, तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्ट द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। सुवृते तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है, तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो, चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है, कर्मकांडी लोगों में इन 6ों की बड़ी मान्यता है। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गईं। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, वे आनंद से विह्वल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसको वेद पाठ का फल मिलता है। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 40-41 संपूर्ण। जय राधा माधव।